और पका हुआ है पुला। पहले जब दिखाया था, मैं पहले ब्लॉग में जो दिखाया था उस टाइम कच्चा था। ये देख सकते हो गाइस, ये भैया का है, भैया का जो अभी भाग रहा है। पका हुआ इसका तो एक दो किलो हो जाएगा यार, ये दो किलो हो जाएगा। ये जो है कुकुम्बर और ये जो है पका हुआ पहले वाला जो सब्जी दिखाया था मैंने, ये सब्जी ये अलग सा सब्जी और बनाया है जो पहले सब्जी बनाया था हम लोग, ये कुछ और चिकन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का और एक नया ब्लॉग में, निगरे मिता ब्लॉग्स में। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज अभी हम लोग जाने वाला है जो कि भैया का जू में पह, जो इससे आगे ब्लॉग में अगर आप लोग को ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लेना, जो हम लोग कुकुम्बर तोड़ने गया था। और हम लोग तीनों रेडी है, ये है बापू रेडी हो रहा है जाने के लिए, और है मन्नत का मम्मी और बापू को लिए चप्पल लगा रहा है। पहनो बाबा जल्दी जाएंगे, थोड़ा लेट हो गया था, अभी लगभग सात बज रहा है, 7:02 हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह पूरा कल रात मतलब जियो सिग्नल नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो डाल नहीं पाया। सुबह मैं पूरा एडिट करके रखा था, पूरा थंबनेल बना के मैंने पूरा मतलब सब लगा के वीडियो अपलोड किया। फिलहाल अभी पेंडिंग में है, वो ब्लॉग भी आने वाला है जो कि मैं डियर कपूर ब्लॉग्स में, जो मेरे भाई यहाँ पे मेरा घर तक आया था। और फिलहाल के लिए हम लोग निकल चुका है, अभी आगे ये है मन्नत का मम्मी, जो कि वहाँ नीचे में जाके हम लोग और एक टोकरी लेना है, और जो हम लोग सब्जी लाने के लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखो कितना प्रॉब्लम है, और बापू को इसी तरह मेरे को किधर भी जाओ लेके जाना पड़ता है, देखो कितना दिक्कत। और पीछे पीछे आ रहा है मन्नत का मम्मी। ब्लॉग में बने रहना गाइस, काफी मतलब इंजॉयबल ब्लॉग होगा। वहाँ पे जाके हम लोग को क्या सब्जी मिलता है ऊपर दिखाता हूँ, क्योंकि पहले वाला में जो आप लोग को दिखाता उस टाइम धान पका नहीं था, अभी पक गया है जो जूम कल्टिवेशन में, भैया का जूम कल्टिवेशन में वो पका हुआ धान भी काफी देखने में अच्छा लगता है, वो भी दिखाएंगे हम लोग। बने रहे ब्लॉग में, तब तक लिए मिलते हैं सीधा वहाँ पे। अभी वहाँ पे पहुँचने के बाद ही हम लोग दिखाएंगे आप लोग को, बने रहे ब्लॉग में। और पहली बार चैनल को देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। गाइस मिलते हैं वहाँ पे सीधा। फाइनली हम लोग पहुँचने वाला है अभी भैया का जू में। मैं आप तो वेट कीजिए गाइस, मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ कितना पक गया है धान। और कुछ लोग यहाँ पे जो पहले वाला जो मिल रहा था वो लोग खात रहा है धान को। और यहाँ पे देखिए मैं बाबू को कैसे जुगाड़ किया है, देखो बाबा, क्योंकि उसे पहले जैसा लेके आने में काफी दिक्कत हो रहा था। और पीछे में आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है मन्नत का मम्मी। हाय करो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ पीछे से गाइस कितना अच्छा है, अभी पक गया। पहले आया था उस टाइम पका नहीं था, अभी पक गया पूरा, देखिए लोग अभी देखिए, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए पक गया है धान, देखो पूरा पक गया है, ये देखिए पूरा लाल हुआ है, देख सकते हो आप लोग पूरा इतना तक लाल हुआ है। ये भैया का नहीं है, किसी और का है, पहले वाला में जो मिला है उसका है, ये भैया का नहीं है, देखो पूरा भैया का भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को गाइस, बने रहे ये ब्लॉक में। और के लिए पहुंच चुका हूं भैया का घर, आप देख सकते हो पूरा वहां पे जो धान है पका, यहां पे देख सकते हो, मैं आगे भी दिखाऊंगा आप लोग को पका हुआ धान पूरा पक गया। पहले आया था उस टाइम में कच्चा था अभी, और देखो उस टाइम भी कुकुम्बर कितना मिला था, अभी इस टाइम भी मैं आप लोग को दिखाता हूं। भैया लोग जो तो ढूंढ के रखा है कुकुम्बर, मैं आप लोग को दिखा क्या क्या ढूंढ के रखा है, ये पीछे से दिखाता हूँ। देख सकते हो आप लोग कितना कुकुम्बर पका हुआ है पूरा, पहले जब दिखाया था मैं पहले ब्लॉग में जो दिखाया था उस टाइम कच्चा था, अभी पूरा पक गया कुकुम्बर भी, देखो गाइस आप लोग देख सकते हो कुकुम्बर, ये भैया का घर का अंदर। और यहाँ पे जो है मिर्ची हरा मिर्ची, देखो कितना मिला है हरा मिर्ची, आप लोग देख सकते हो गाइस, कमेंट करके बताना। देखिए पूरा ढूंढ के रखा, ये है पम्पकिन पूरा हरा मिर्ची। और आई होप आप लोग देख लिया होगा गाइस कुकुम्बर और जो हरा मिर्ची, जितना भैया लोग सब्जी ढूंढ के रखा हुआ। और अभी मैं भी ढूंढने के लिए जाऊंगा कुछ देर, फिलहाल के लिए मतलब गाइस फिलहाल के लिए मैं रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट पहुंचा हूँ मैं, उसके बाद मैं और पहले पका हुआ धान भी दिखाता हूँ आप लोग को, पहले
भी दिखाया था, अभी और जाके दिखाता हूँ मैदान फाका, उसके बाद में सब्जी धोने के लिए जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ से खाना खा के जाएंगे बयालो के घर से, और खाना खा के हम लोग लगभग शाम को जाएंगे और यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद उसका खाना खाने के टाइम में भी मैं दिखाऊंगा। और हम लोग का पहले भैया का बेटी लोग भी आया है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हम लोग अभी पहुंचा है जस्ट। और मनक मामी कुछ देखने के लिए निकल पड़ा है, मतलब ढूंढने के लिए। फिलहाल मैं अभी के लिए मैं भी जाता हूँ ढूंढने के लिए। गाइस बने रहे ब्लॉक में। ये देख सकते हो गाइस, ये भैया का है, भैया का जो अभी पाक रहा है, देखो पूरा दान है, पूरा राइस है, इसमें से चावल निकालेगा और उसको मालूम नहीं हो क्या। जो है को नजदीक जो है बगल में जो है भैया लोग को भी कुछ सब्जियां ढूंढे है, उसका भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, और दिखाता हूँ उसका घर में जाके क्या मिला है उन लोग को, उसका घर। और ये है भैया का घर, अभी जस्ट मैं यहाँ से आया है, और ये है इसका घर। ये लोग क्या सब्जी मिला है देखो गाइस, ये कोचू है पूरा बड़ा बड़ा हुआ है, इसका तो एक दो दो किलो हो जाएगा यार, ये दो किलो हो जाएगा। ये जो है ककुम्बर, और ये जो है पका हुआ बैगन काफी सारा मिला है गाइस, काफी टेस्टी होता है ये पका हुआ बैगन, कसू भी काफी मिलता है। और यहाँ पे अंदर में देखता है, ये है बबी और एक बबी, और ये है भैया, एक मेरा दूसरा मतलब खुद का भैया तो नहीं है, रिश्तेदार का भैया। यहाँ पे जो मिर्ची देखो कितना मिर्ची, मिर्ची पैसा ही पैसा हो गया। और ये सब यहाँ पे भी है मिर्ची, और ये लोग खाना नहीं बनाया अभी तक, तो इसको खाना बनाना है अभी शाम को। ये लोग भी जाएंगे घर, और उसके बाद ये तलाबू में दिमागी में पहले जो दिखाया था ब्लॉग में वो बेचेगा। ये देखिए लोग कितना तक मिला है, ये बयालो जो लेके आया है, इसको हम लोग सिंदरे बोलते है, इसका काटे रिश्ता खाएगा बाबा, आपको खाएगा। बापू जो है यहाँ पे आ गया अभी, ले खा ले मेरा वाला। बहुत मीठा है, यस यस। बिजी फिर दे अभी के लिए, मेरे को काफी भूख लग रहा है यार, और बयालो को रुको जरा सबर तो वेट कर रहा है वहाँ पे, वो कोचू है, वो दो रहा है, वो लोग मतलब क्लीन कर रहा है, और थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे, उसका भी दिखाएंगे। ये लोग देखो पूरा कितना लोग आया है, हम लोग पूरा कितना, अभी देखता हूँ क्या क्या बनाया है, जो सब्जियाँ देख लेता हूँ आज के लिए क्या बनाया है। ये क्या है, ये तो पहले वाला राइस है, और ये जो है बैगन और क्या बेम्बू शूट मिक्स करके ये बनाया है, ये एक सब्जी है। और यहाँ पे जो है कोचू और चिकन के साथ बनाया है, ये चिकन जो है कोचू है बहुत टेस्टी होता है, काफी मजा आया, रहा नहीं जाता तड़काने में। और यहाँ पे जो है इसको और बनाना बाकी है, ये जो करेला का साग है, करेला का पत्ता, इसका जल्दी बनाएगा तो भैया लोग नहीं आया अभी तक, और इसका जल्दी बनाएगा तो उसका मतलब अबे जल्दी बोल कल तीता हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाया, एक बाद में बनाएंगे भाई लोग आने के बाद। ये जो है कुकुम्बर है, कुकुम्बर का चटनी जो मिर्ची से तट बनाएंगे, और उसके बाद खाएंगे उसको भी। फाइनली अभी खाएंगे हम लोग खाना गाइस, अभी दिखाता हूँ, अभी लगभग 10:53 लगभग 11 बजने वाला है, अभी खाना खाएंगे। काफी लेट हुआ था हम लोग का, भूख भी लग रहा था, कोई बात नहीं। अभी पहले वाला जो सब्जी दिखाया था मैंने, ये है सब्जी, ये अलग सा सब्जी और बनाया है, जो पहले सब्जी बनाया था हम लोग, ये कुछ और चिकन, और ये है टीटा हुआ, और ये है खाना, ये है
कुकुम्पर का चटनी, हीरा का चटनी और यहाँ पे बेटा में पूरा ये सब लोग एक साथ में हम लोग 8-9 लोग खा रहा है खाना। देखिए ये बाबा, ओ क्या बाबा, ये मन्नत का मम्मी खा रहा है देखो। अभी के लिए यहाँ रुकते हैं वीडियो को गाइस, मेरे को काफी भूख लग रहा है, खाना खाना है मेरे को और यहाँ पे भी फिलहाल लगते हैं वीडियो को, खाना खाता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। सब कुछ खाना खा के, खाना खाने के बाद अभी तब रेडी कर लिया है हम लोग, अभी जाएंगे गांव में और जूम से जहाँ पे हम लोग आया था जूम से वहाँ पे हम लोग जाएंगे। क्या कर रहा है बापू, अंडा अंडा। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सबका, मतलब एक एक का रेडी हो गया पूरी, ये सबका, ये भैया का है और ये भाभी का है और ये किसी और का है, सब सब्जियाँ है और किसी और का है ये, और मेरा वाला दिखाता हूँ ये है मेरा वाला, ये सब कुछ ले लिया मैं, कुचू ककुम्बर ये सब वगैरह जो है पूरा मैंने ले लिया भर के। ये है भाभी का पूरा, ये कमरों का जो रूट है रूट, सबका टोकरी देख लिया होगा आप लोग गाइस। तो अभी हम लोग चल पड़ेंगे थोड़े देर बाद, आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को इसमें ही एंड कर लेते हैं। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पे मन्नत का मम्मी, देखो मन्नत का मम्मी कुछ बोलो। अभी हम लोग जाएंगे थोड़े देर के बाद और आज का ब्लॉग यहाँ पे ही खत्म कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को जाना है और गाँव शाम को शायद बारिश आएगा जैसे लग रहा है, इसलिए हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा। और आई होप आप लोग देख लिया होगा क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों को दिखा था, उस टाइम कच्चा था धान, अभी पका हुआ है सब सब कुछ। अगर आप लोग इंजॉय किया है हम लोग का ब्लॉग में, अगर इंजॉय किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।